हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। हम लोग थोड़ा जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है। और क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ, तो चलिए उसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च ले लिया है और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल कट करके भी रखी हूँ। तो चलिए इसको हम लोग कूट लेते हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो इस रेसिपी में ना आपको इसको मिक्सी नहीं करना है, दरदरा सा ही कूट लेना है, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और एक टिप दूंगी मैं यहाँ पे ना आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा, जब आप अदरक लहसुन मिर्ची ये किसी चीज़ को भी कूट रहे हैं, तो उससे ना आपका ये बाहर नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आपका क्रश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पेस्ट मैंने बना लिया है और यहाँ कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी, लौंग, इलायची और आपका सूखा जीरा। और यहाँ पे मैंने मसूर की दाल और मूंग की दाल ली थी 1-1 कप, और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद 1 कप मैंने चावल भिगो करके रख दिया है। और सब्जी में मैंने लिया था मटर, गाजर, गोभी, मूली और आलू। और भी आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक पम्पकिन और बीन्स, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी सुंदर लगता है ऐसे ही वेजिटेबल कट करके देखने में, ग्रीन ग्रीन। और अभी विंटर है तो ये विंटर स्पेशल खिचड़ी बना रही हूँ मैं। तो मैंने ऑयल ऐड किया है और जो ड्राई मसाले थे मेरे, लौंग, इलायची, दालचीनी और जीरा, हींग, मैंने सरसों के तेल में छौंक लगाया है। और उसके बाद मैंने कटे हुए आलू जो था ना उसको ऐड कर दिया। 2 मिनट आलू फ्राई करने के बाद जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको भी ऐड कर दिया है। और इन सबको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। बिना टमाटर और बिना प्याज के ये खिचड़ी बना रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं, लहसुन प्याज, तो आप लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। फिर मैंने आज जो मूली था ना उसको भी डाल दिया और 1 मिनट फ्राई करने के बाद गोभी ऐड कर दिया है। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा तीखा कम करें और बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है और टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्ट ऐड कर देंगे। सोल्ट हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूटने के टाइम भी यूज़ किया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दिया है। चीनी से मीठा नहीं होता है, सारा टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है आपका। और यहाँ पे जब सब्ज़ी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने मटर और गाजर भी ऐड कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ये, 1 पॉट मील हो गया आपका। और बच्चे को बहुत पसंद आता है, मेरा चीकू को बहुत ज़्यादा पसंद है, वन ऑफ फेवरेट है उसका ये। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने जो मसूर की दाल, मूंग की दाल और चावल भिगो करके अच्छे से धो लिया था उसको ऐड कर दिया है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहूँगी, यहाँ पे ना आप गोविंद भोग राइस से खिचड़ी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनता है, पूरा पूजा वाला फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कट किया था अपने लिए, मतलब छील करके रख ली थी, उसको अभी मैं खाऊंगी। 11 बज गए हैं तो इस टाइम में मैं कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ।
और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे सफिशियंट वाटर ऐड कर दिया है, और इसको हम एक या दो सीटी आने पर पका लेंगे, कुक होने देंगे। अगर और यहाँ पे मैं अभी सब्जी वाले अंकल आए थे नीचे में, तो मैंने सीम वाइट वाला और पटल लिया है, हाफ हाफ केजी दोनों है। और ऐसे ही नीचे में कुछ कुछ वेजिटेबल आते हैं तो सब लेते हैं, तो मैं भी ले लेती हूँ, कुछ न्यू रहता है तो। और ये वाला सीम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आगे। और देखिए उस टाइम पे ना मैंने कोई मसाला घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब हम कुकर का विसल खुद ही से ओपन हो गया है, खुल गया है, मैंने नहीं किया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ घी ऐड करेंगे, घी से खिचड़ी का टेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे हम भुना हुआ धनिए का पाउडर और भुना हुआ जीरे का पाउडर और भुनी हुई लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे क्योंकि खिचड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, आप देख पा रहे होंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत लोगों को ऐसी ही सूखी खिचड़ी टाइप ऑफ अच्छा लगता है, बट हमारे घर में ना थोड़ा सा ऐसे लिक्विड वाला पसंद करते हैं चिपके पापा। और ये देखिए थोड़ा सा गिर भी गया, एक्चुअली भरा हुआ है ना पूरा इसी के लिए, और बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खिचड़ी बन करके रेडी है। आप खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली में किसी को भी आप खिला सकते हैं, हेल्दी 1 पॉट मील है, बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे ना मेरा फ्लिपकार्ट से मैंने एक हेडफोन मंगाया था और एक सीरम मंगाया था, वो मैं देख रही थी कैसा है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था हेडफोन, अच्छा लगा मुझे। और दिखाती हूँ मैं, इसका लुक भी अच्छा है, वाइट कलर का था ये, और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी, ये देखिए। और इसका ना वो एयर में लगाने वाला अंदर ही रह गया था, अभी मैं इसको लगा दूँगी निकाल करके। और हल्का सा रेड कलर है ना इसमें, तो अच्छा लग रहा था देख करके बहुत ज़्यादा। और कैमरा पकड़ के देखिए मैं नहीं लगा पा रही हूँ, तो मैंने कैमरा ऑफ़ किया, उसके बाद मैंने लगा दिया। और इसका वायर जो था ना वो भी काफ़ी लॉन्ग था, ऑल ओवर ये मुझे अच्छा लगा। और आया था एक सीरम भी आया है, पर सीरम को मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए ये जो है ना आपका आईब्रो और जो आपका हेयर रहता है ना चीक वगैरह में, उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और चार्जिंग सिस्टम है उसका, मीशो से मैंने ये मंगवाया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और ये मैंने खुद से हाय, बाय किया है रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जो चीकू है देखिए क्या हो रहा खेल है? क्या हो रहा है? तो गाइस यहीं तक का था मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।